नमस्कार साथियों, आइए आज सुनते हैं उषा प्रेमवदा की कहानी वापसी। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नजर दौड़ाई। दो बक्स, डोलची, बाल्टी, यह डिब्बा कैसा है गणेशी, उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला, घरवाली ने बेसन के कुछ लड्डू साथ में रख दिए हैं, कहा बाबूजी को बहुत पसंद थे, अब कहाँ हम गरीब लोग आपके कुछ खाते कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे परिचित स्नेही आदरमय सहज संसार से उनका नाता टूट रहा था। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, गणेशी बिस्तर की रस्सी बांधते हुए बोला। कभी कुछ जरूरत हो तो लिखना गणेशी, और इस अगन बिटिया की शादी कर दो। गणेशी ने अंगोछे के छोर से आंखें पोछी। अब आप लोग सहारा न देंगे तो और कौन देगा, आप यहाँ रहते तो शादी के लिए कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का यह कमरा, जिसमें उन्होंने कई वर्ष बिताए थे, उसका सामान हट जाने से क्रूप और नग्न लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी, पर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिछोह एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने उसी समय की कल्पना की थी जब अपने परिवार के साथ रहेंगे। इसी आशा के सहारे अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादी करा दी थी। दो बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे स्टेशनों में रहे थे और उनके बच्चे और पत्नी शहर में, जिनसे पढ़ाई में बाधा न हो। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह की आकांक्षी भी। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते, उन सबके चले जाने से उनके जीवन में एक गहन सूनापन भर उठा था। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका न जाता। कभी प्रकृति के न होने पर भी उन्हें पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रहती थी और उनके स्टेशन से वापस लौटने पर गर्म गर्म रोटियां सेकती। उनके खा चुकने पर और मना करने पर भी थोड़ा सा और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वह थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पाकर वह रसोई के द्वार पर निकल आती और उनकी सजल आंखें मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू को तब हर छोटी बात याद आती थी और वे उदास हो उठते थे। अब इतने वर्षों के बाद वह अवसर आया था जब वह फिर उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे। टोपी उतार कर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी, जूते नीचे सरका दिए। अंदर से रह रहकर कहकहों की आवाजें आ रही थी। इतवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए वह बिना खासे अंदर चले गए तो उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद गत रात्रि की फिल्म में देखे गए नृत्य का अभिनय कर रहा था और बसंती हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। अमर की बहू को अपने तन बदन आंचल या घूंघट का कोई होश न था और वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह में लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने के प्रयत्न से हिलता रहा। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी। कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र सिर पिटाकर कहा। गजाधर बाबू ने चाहा कि वह भी इस मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे सब कुछ कुंठित हो गया। इससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, बसंती मुझे भी चाय देना, तुम्हारी माँ की पूजा अभी तक चल ही रही है क्या। बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा, अभी आती ही होंगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय की आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती ही पिता के लिहाज से चौके में बैठी रही और माँ की राह देखने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पीकर कहा, बिट्टी चाय तो बहुत फीकी है, लाइए चीनी और डाल दूं। बसंती बोली, रहने दो, तुम्हारी माँ जब आएगी तभी पी लूंगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी
हाथ में अर्घ का लोटा लेकर निकली और अशुद्ध स्तुति को कहते हुए तुलसी में डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गयाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ चले गए? गयाधर बाबू के मन में फांस सी करक उठी। अपने अपने काम में लग गए होंगे, आखिर बच्चे ही हैं। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक भौं चढ़ाकर चारों ओर जूठे बर्तनों को देखा और फिर कहा, सारे बर्तन जूठे पड़े हैं, इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं, पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर नहीं मिला तो एक बार और उच्च स्वर में पुकारा। फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने बाजार भेजा होगा, और एक लंबी सांस लेकर चुप हो रही। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर आने के पहले वह गरम गरम पूरियां और जलेबियां बनाता था। गजाधर बाबू जब उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबियां और चाय लाकर रख देता। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक लबालब भरी हुई, पूरी 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, गणेशी ने चाय पहुंचाने में कभी देरी नहीं की। क्या मजाल की कभी उससे कुछ कहना पड़े। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन उनके विचारों में व्याघात पहुंचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है। इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता। बहू क्या किया करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। पढ़ी रहती है, बसंती को तो कहो फिर कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है और सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएंगी। बसंती मुंह लटकाकर बोली, बाबूजी पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई, उनके शरीर में अब शक्ति नहीं बची है, तुम हो तुम्हारी भाभी हैं, दोनों मिलकर काम बांट लिया करो। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता, लगे कैसे, शीला से ही फुर्सत नहीं, बड़े बड़े लड़के रहते हैं उस घर में, हर वक्त वहां घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता, मना करूं तो सुनती नहीं। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी जिसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगे। उन्हें याद हो आती उन रेलगाड़ियों की जो आती थी और थोड़ी देर रुककर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती थी। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब अपना प्रबंध किया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा सा कमरा अवश्य था, पर वह एक ओर तो अचारों के मर्तबान, दाल और चावल के कनस्तर और घी के डब्बों से घिरा था, दूसरी ओर पुरानी रजाइयां दरियों में लिपटी और रस्सियों में बंधी हुई रखी थी। उसके पास एक बड़े से टिन के बक्स में भर भर कर गर्म कपड़े थे। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी जिस पर प्रायः बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते। वह भरसक उस कमरे में नहीं जाते थे। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की ओर था बैठक था। गजाधर बाबू के आने के पहले यहाँ अमर की ससुराल से आया बेंत की कुर्सियों का सेट पड़ा था। कुर्सियों पर नीली दरियां और बहू के हाथों से कढ़े कुशन थे। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ जाती थी। वह एक दिन चटाई लेकर आई। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसे कम रहेंगे, कुछ खर्च कम करना चाहिए। सभी खर्चे तो वाजिब वाजिब हैं, किसका पेट काटूं? यही जोड़ गांठ करते करते तो बूढ़ी हो गई, न मन का पहना न ओढ़ा। गजाधर बाबू ने आहत विस्मृत दृष्टि से पत्नी को देखा। उनसे अपनी हैसियत छिपी न थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती यह स्वाभाविक था, लेकिन उसमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। उनसे यदि राय बात की जाती कि प्रबंध कैसे हो तो उन्हें चिंता कम संतोष अधिक होता, लेकिन उनसे तो केवल शिकायतें की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के जिम्मेदार वही हों। तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं,
सिर्फ रुपये से ही आदमी अमीर नहीं होता। गदाधर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुभव किया कि यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसी कि उनकी पत्नी समझ नहीं सकती। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से, आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें मूंद ली और सो गई। गदाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रहे। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचिता है। गाढ़ी नींद में डूबी हुई पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडोल और कुरूप लग रहा था, चेहरा श्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू बहुत देर तक निस्संग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, और वह अंदर भागी। थोड़ी देर में लौटकर वापस आई तो उनका मुंह फूला हुआ था। देखा बहू को, चौका फूला छोड़ आई थी, बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी, सभी को तो खाने को है, अब क्या खिलाऊंगी। वह सांस लेने को रुकी और बोली, एक तरकारी और चार पराठे बनाने में सारा डब्बा घी उड़ेल कर रख दिया, जरा सा दर्द नहीं है, कमाने वाला हार तोड़े और यहाँ चीजें लूटे, मुझे तो मालूम होता है यह सब काम किसी के बस का नहीं है। गयाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनके कान झंझना उठेंगे, होठ भीज करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर लिया। रात का भोजन बसंती ने जान बुझ कर ऐसा बनाया कि एक कौर तक निकला न जा सके। गयाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती ने तुनक कर कहा, तो न खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद कर रहा है, तुमसे खाना बनाने को किसने कहा था। नरेंद्र चिल्लाया, बाबू जी ने, भाभी जी को बैठे बैठे यही सूझता है। बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथों से कुछ बनाकर उसे खिलाया। गयाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई है और उसे अभी तक खाना बनाने का शऊर नहीं आया। अरे आता सब कुछ है, करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदल कर बसंती बाहर आई तो बैठक में गयाधर बाबू ने रोक दिया, कहाँ जा रही हो। पड़ोस में शीला के घर, बसंती ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो, गयाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गयाधर बाबू शाम को रोज टहलने जाते थे, लौट कर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से, शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू खिन्न हो गए, पत्नी की बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की जल्दी ही शादी कर देनी चाहिए। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी, जाना होता तो पिछवाड़े से चली जाती। गजाधर बाबू ने एक दो बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को और रोष हुआ, जाने से रोक दिया तो पिता से बोले ही नहीं। फिर उनकी पत्नी ने एक दिन उन्हें सूचना दी कि अमर अलग रहने की सोच रहा है। क्यों, गयाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की बहुत सी शिकायतें थीं। उनका कहना था कि गयाधर बाबू हमेशा बैठक में पड़े रहते हैं और कोई आने जाने वाला हो तो बैठने तक की जगह नहीं है। अमर को अब वे छोटा समझने लगे हैं और मौके बेमौके टोक देते हैं। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तब फूहड़कंप ताने देती थी। हमारे आने से पहले भी ऐसी बात हुई थी, गयाधर बाबू ने पूछा। पति ने सिर हिलाकर जताया कि नहीं, पहले अमर घर का मालिक बना रहता था, बहू को कोई रोक टोक नहीं थी, अमर के दोस्तों का प्रायः यहीं अड्डा जमा रहता था और अंदर से चाय नाश्ता तैयार होकर आता रहता था, बसंती को भी वही अच्छा लगता था। गयाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो कि जल्दीबाजी की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन सुबह घूमकर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर आकर पूछने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह कहने के लिए मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद करके चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार रजाइयों और कनस्तरों के मध्य उनकी चारपाई लगी हुई थी। गयाधर बाबू ने अपना कोट उतारा और वहीं टांगने को दीवार पर नजर दौड़ाई। फिर उन्होंने मुड़कर अलगनी से कुछ कपड़े खिसकाकर वहीं किनारे पर उसे टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ हो, तन आखिरकार बूढ़ा हो ही गया था। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते, पर आते आते थक उठते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर याद आ गया।
निश्चिंत जीवन। सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिरपरिचित चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खड़खड़ जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह था। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिंघार उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी लाल के मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते, वही उनका दायरा था, वही उनके साथी। वह जीवन अब उन्हें एक खोई हुई निधि के समान प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि वह जिंदगी के द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से एक बूंद भी उन्हें न मिली। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी छोटी झड़प, बाल्टी पर खुले हुए नल की आवाज, रसोई के बर्तन की खटपट और उसी में दो गौरैयों का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी भी बात में दखल न देंगे। यदि गृह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह यही है तो यहीं पड़े रहेंगे, और कहीं और यदि डाल दी गई तो वहां चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं है तो अपने ही घर में वे परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गयाधर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र मांगने आया तो बिना कारण पूछे रुपये उसे दे दिए। बसंती काफी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में ही रही तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं इससे वह अनजान ही बनी रही, बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। कभी कभी कह उठती थी, ठीक ही है, आप बीच में न पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा कर्तव्य जो था हम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी भी कर देंगे। गयाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी व बच्चों के लिए धन उपार्जन के निमित्त मात्र हैं। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह दो वक्त भोजन की थाली रख देने से अपने सारे कर्तव्य की छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डब्बों में इतनी रमी हुई है कि अब यही उसकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गयाधर बाबू उसके जीवन के केंद्र में नहीं हो सकते। उन्हें तो अब बेटी की शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। इतने सब निश्चयों के बावजूद भी गयाधर बाबू एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभावानुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की हर चीज से पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गयाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता रहता था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा है। पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है, छोटा मोटा काम है, घर में तीन मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू ने कहा, बाबूजी ने नौकर को छुड़ा दिया है। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत ज्यादा है। यह वार्तालाप बहुत सीधा और सपाट था, पर जिस टोन में बहू ने कहा गयाधर बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गयाधर बाबू टहलने नहीं गए थे, आलस्य के कारण बत्ती भी नहीं जलाई थी। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं हो, बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर को छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल में गेहूं रखकर आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर भी आया, मैं कॉलेज से आऊं और लौट कर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं है। बूढ़े आदमी है, अमर गुनगुनाया, चुपचाप पड़े रहे, हर चीज में दखल क्यों देते हैं। पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा, और कुछ नहीं सुझा तो तुम्हारी पत्नी को ही चौकी में भेज दिया। वह गई और 15 दिन का राशन 5 दिन में ही बनाकर रख दिया। बहू कुछ कहे इसके पहले ही वह चौकी में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में लौटी तो बत्ती जलाई तो पाया कि गयाधर बाबू लेटे हुए हैं। गयाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनके भावों का अनुमान न लगा सकी। वह चुप आंखें बंद किए लेटे रहे। एक दिन गयाधर बाबू हाथ में एक चिट्ठी लेकर अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ लिए निकली और आंचल से पूछती हुई पास आ खड़ी हुई। गयाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है, खाली बैठे रहने से तो चार पैसे घर आ जाए वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले भी कहा था लेकिन मैंने ही मना कर दिया था। फिर कुछ रुक कर जैसे बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठे, उन्होंने धीमे स्वर में कहा,
मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा। खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी क्या? मैं? पति ने सक पका कर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ का क्या होगा, इतनी बड़ी गृहस्थी है और फिर सयानी लड़की। बात बीच में ही काट कर गया और बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है तुम यहीं रहो, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। गायाधर बाबू का टिन का बक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की दलिया हाथ में लिए गायाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए तो बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? वसंती ने उछल कर कहा, भैया हमें भी। गायाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोर दान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तर के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र जरा बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक को जगह नहीं है। आज की कहानी तो यहीं खत्म होती है। यदि आप अभी तक रुके हुए हैं और आपने पूरी कहानी सुनी है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय मुझ तक जरूर पहुंचाएं, और ये भी बताएं कि आगे आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।